आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्मेटिक्स, सौंदर्य प्रसाधनों का वर्गीकरण। कॉस्मेटिक का क्लासिफिकेशन जानने से पहले हम कॉस्मेटिक्स के बारे में जानते हैं। कॉस्मेटिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द कॉस्मेटिकोस से हुई है, जिसका अर्थ होता है सजावट के लिए अपने आप में एक पूर्ण वस्तु। कॉस्मेटिक एक वस्तु है जो हमारी बॉडी की क्लिंजिंग, ब्यूटिफिकेशन, एक्सटर्नल अपीयरेंस को इन्हेंस करने और अल्टर करने के लिए यूज होती है, और ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देती है। आइए अब सौंदर्य प्रसाधन की परिभाषा देखते हैं। सौंदर्य प्रसाधन की परिभाषा, शरीर के विभिन्न अंगों की सुंदरता बढ़ाने एवं उसको स्वच्छ रखने के लिए शरीर पर लगाई जाने वाली वस्तुएं सौंदर्य प्रसाधन कहलाती हैं। सौंदर्य प्रसाधन का निर्माण और वितरण ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 व रूल नंबर 1945 के तहत किया जाता है। आइए अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्मेटिक्स जानते हैं। सौंदर्य प्रसाधनों का वर्गीकरण तीन बेसिस के ऊपर किया गया है। फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू रीजन, अर्थात यूज बॉडी पार्ट, कौन से बॉडी पार्ट पर सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग किया जाता है उसके आधार पर। सेकंड, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, सौंदर्य प्रसाधनों के कार्य के आधार पर। एंड थर्ड, अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल नेचर और फिजिकल फॉर्म, सौंदर्य प्रसाधनों के भौतिक गुणों के आधार पर। फर्स्ट क्लासिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू रीजन, सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग हमारे शरीर के विभिन्न अंगों जैसे स्किन, हेयर, आईज, नेल और टीथ पर किया जाता है, उसके आधार पर सौंदर्य प्रसाधनों को 5 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी है कॉस्मेटिक फॉर स्किन, सेकंड है कॉस्मेटिक फॉर हेयर, थर्ड कॉस्मेटिक फॉर आईज, फोर्थ कॉस्मेटिक फॉर नेल्स एंड फिफ्थ कॉस्मेटिक फॉर टीथ। फर्स्ट कैटेगरी कॉस्मेटिक फॉर स्किन, इस कैटेगरी के अंदर वे सारे कॉस्मेटिक्स रखे गए हैं जिनका उपयोग हमारी स्किन के ऊपर किया जाता है। इनके एग्जाम्पल हैं क्रीम, फेस पैक, बाथ प्रिपरेशन, सनस्क्रीन क्रीम, एंटीपर्स्पिरेंट, डिओड्रेंट, फेस पाउडर, रूज, लिपस्टिक, एस्टिंजेंट लोशन, टेलकम पाउडर आदि। सेकंड कैटेगरी कॉस्मेटिक फॉर हेयर, इस कैटेगरी के अंदर वे सारे कॉस्मेटिक्स रखे गए हैं जिनका उपयोग बालों के लिए किया जाता है। इनके एग्जाम्पल है शैम्पू, डेपिलेटरीज, शेविंग क्रीम, हेयर डाई, एंटी डैंड्रफ प्रोडक्ट, हेयर टॉनिक, कंडीशनर, हेयर वेव सेट, हेयर रिंसेस, हेयर ग्रूमिंग प्रिपरेशन, परमानेंट हेयर कलर, परमानेंट वेविंग लोशन, हेयर स्ट्रेटनर, हेयर ब्लीच और हेयर कलरेंट आदि। थर्ड कैटेगरी है कॉस्मेटिक फॉर आईज, इस कैटेगरी के अंदर वे सारे कॉस्मेटिक्स रखे गए हैं जिनका उपयोग आंखों के लिए किया जाता है। इनके एग्जाम्पल है आई शेडो, आईब्रो पेंसिल, मस्कारा, आईलाइनर आदि। नेक्स्ट है कॉस्मेटिक फॉर टीथ, इस कैटेगरी के अंदर वे कॉस्मेटिक रखे गए हैं जिनका उपयोग दांतों के लिए किया जाता है। इस कैटेगरी को फर्दर सब क्लास में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है फॉर क्लिंजिंग, सेकंड है फॉर हाइजीन। फर्स्ट सब क्लास फॉर क्लिंजिंग, वे कॉस्मेटिक जिनका उपयोग दांतों के लिए और ओरल कैविटी की क्लिंजिंग के लिए किया जाता है, उन्हें इस कैटेगरी के अंदर रखा गया है। इनके एग्जाम्पल है टूथपेस्ट और टूथ पाउडर। सेकेंड सब क्लास है फॉर हाइजीन, ओरल कैविटी और टीथ की हाइजीन के लिए यूज होने वाले कॉस्मेटिक्स को इस कैटेगरी के अंदर रखा गया है। इनके एग्जाम्पल है माउथ वॉश और गार्गल। कॉस्मेटिक की सेकेंड कैटेगरी में कॉस्मेटिक को उनके फंक्शन के आधार पर क्लासिफाई किया गया है।
सौंदर्य प्रसाधनों के कार्य के आधार पर सौंदर्य प्रसाधनों को 6 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है क्लिंजिंग प्रिपरेशन, सेकंड डेकोरेटिव प्रिपरेशन, थर्ड प्रोटेक्टिव प्रिपरेशन, फोर्थ करेक्टिव प्रिपरेशन, फिफ्थ क्यूरेटिव और थेरेपेटिक प्रिपरेशन एंड लास्ट प्रिपरेशन फॉर एंजॉयमेंट. फर्स्ट है क्लिंजिंग प्रिपरेशन. इस कैटेगरी के अंदर वे कॉस्मेटिक रखे गए हैं जो क्लिंजिंग पर्पस के लिए यूज होते हैं. इनके एग्जाम्पल है शैम्पू, बॉडी वॉश और फेस वॉश. सेकेंड है डेकोरेटिव प्रिपरेशन. इस कैटेगरी के अंदर वे सौंदर्य प्रसाधन आते हैं जो हमारे स्किन की और बालों की सजावट के लिए उपयोग में लिए जाते हैं. इनके एग्जाम्पल है कलर कॉस्मेटिक्स और मेकअप. नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव प्रिपरेशन. इस कैटेगरी के अंदर वे सारे कॉस्मेटिक्स आते हैं जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देते हैं. इनके एग्जाम्पल है क्रीम और पाउडर. फोर्थ कैटेगरी करेक्टिव प्रिपरेशन. जो करेक्शन का कार्य करते हैं वे कॉस्मेटिक्स इस कैटेगरी के अंदर रखे गए हैं. इनका एग्जाम्पल है फेस पाउडर. फिफ्थ कैटेगरी क्यूरेटिव एंड थेरेपेटिक प्रिपरेशन, जो हमारे शरीर की देखभाल के लिए काम में आते हैं और शरीर में उपचारात्मक प्रिपरेशन होती है जो हमारे शरीर के लिए उपचार का कार्य करते हैं वे कॉस्मेटिक्स इस कैटेगरी के अंदर रखे गए हैं. इनके एग्जाम्पल है एंटीपर्स्पिरेंट और हेयर प्रिपरेशन. नेक्स्ट है प्रिपरेशन फॉर एंजॉयमेंट. इस कैटेगरी के अंदर वे कॉस्मेटिक्स आते हैं जो एंजॉयमेंट के लिए यूज होते हैं. इनके एग्जाम्पल है सॉल्ट और पाउडर. थर्ड कैटेगरी कॉस्मेटिक की थर्ड कैटेगरी उनकी फिजिकल नेचर के बेसिस पर क्लासिफाई की गई है. भौतिक गुणों के आधार पर सौंदर्य प्रसाधनों को 12 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है इमल्शन, सेकंड केक, थर्ड स्टिक्स, फोर्थ पाउडर, फिफ्थ पेस्ट, सिक्स्थ जेली, सेवेंथ ऑयल, एट्थ सॉल्यूशन, नाइन्थ सस्पेंशन, टेंथ सोप, इलेवेंथ पेंसिल और लास्ट एरोसोल. फर्स्ट है इमल्शन. इनके एग्जाम्पल है ऑल टाइप्स ऑफ क्रीम. सभी प्रकार की क्रीम को इस कैटेगरी के अंदर रखा गया है. इनके एग्जाम्पल है कोल्ड क्रीम और वेनिशिंग क्रीम. सेकेंड कैटेगरी केक. केक फॉर्म वाले सारे कॉस्मेटिक्स को इस कैटेगरी के अंदर रखा गया है. इनके एग्जाम्पल है रूज, कॉम्पैक्ट और आई शेडो. स्टिक्स. स्टिक्स फॉर्म वाले कॉस्मेटिक्स इस कैटेगरी के अंदर आते हैं. इनके एग्जाम्पल है लिपस्टिक और डिओड्रेंट स्टिक. पाउडर. पाउडर फॉर्म वाले सारे कॉस्मेटिक्स को इस कैटेगरी के अंदर रखा है. इनके एग्जाम्पल है फेस पाउडर और टेलकम पाउडर. नेक्स्ट कैटेगरी पेस्ट. इनके एग्जाम्पल है टूथपेस्ट. सिक्स कैटेगरी जेलीज. इनके एग्जाम्पल है हैंड जेली, हेयर जेली और वेव जेली. सेवेंथ कैटेगरी ऑयल्स. हेयर ऑयल्स और ब्रिलियंटाइन ऑयल्स को इस कैटेगरी के अंदर रखा है. नेक्स्ट है सॉल्यूशन. सॉल्यूशन के एग्जाम्पल है हैंड लोशन, आफ्टर शेव लोशन. नाइन्थ कैटेगरी सस्पेंशन. सस्पेंशन का एग्जाम्पल है लिक्विड पाउडर. नेक्स्ट है सोप. सोप के एग्जाम्पल है टॉयलेट सोप, आफ्टर शेव सोप. नेक्स्ट कैटेगरी पेंसिल. इसका एग्जाम्पल है आईब्रो पेंसिल. नेक्स्ट है एरोसोल. आफ्टर शेव लोशन और स्प्रे फोम वाले कॉस्मेटिक्स और परफ्यूम इस कैटेगरी के अंदर रखे गए हैं.